देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसमें। राजस्थान के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चार क्षेत्र दे रखे हैं, रानीवाड़ा, उच्च भूमि शाहगढ़, बाल्ज क्षेत्र और सी है लाठी सिरिच क्षेत्र और डी ऑप्शन है आपका उच्च भूमि। चारों ही भौतिक प्रदेशों के बारे में, भौतिक क्षेत्रों के बारे में जानते होंगे आप। सबसे पहले हम बात करें रानीवाड़ा उच्च भूमि की, तो रानीवाड़ा उच्च भूमि कहाँ है? नहीं पता। जालौर में। जैसे देखिए मान लीजिए ये अरावली है, ठीक है, इसके अरावली के जब हमने पढ़ा था तो पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन सी पर्वत चोटी है? हाँ जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जब बताया था, पढ़ाया था उस समय, उसके पूर्व जालोर पर्वत और उसके बाद आपका आता है रानीवाड़ा उच्च भूमि। यही हमने चर्चा भी की थी जसवंतपुरा की सबसे ऊंची चोटी की, कौन सी बताई थी? नहीं बताया था? बताया था, इसका जिक्र किया था, डोरा पर्वत। जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत। ये जो रानीवाड़ा उच्च भूमि क्षेत्र है ये वनस्पति विहीन क्षेत्र है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? पारिस्थितिकी संतुलन। तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जैव विविधता होना जरूरी है, तो ये तो आपका आंसर गलत हो गया। सहागढ़ बल्ज क्षेत्र, ये जैसलमेर के अंतर्गत खनिज क्षेत्र है, ठीक है। लाठी सिरिंज की बात करें तो लाठी सिरिंज क्षेत्र क्या है? लाठी सीरेंज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी। जल पट्टी होने के साथ साथ ये खनिज पट्टी भी है, ठीक है। अगर पहली प्राथमिकता दी जाए तो ये खनिज पट्टी है, क्योंकि अवसादी जो चट्टाने यहाँ जीवाश्म चट्टाने पाई गई हैं उनमें खनिज पाया जाता है। उसी क्षेत्र के ऊपर एक जल भंडार क्षेत्र है, इसलिए इसको भूगर्भिक जलपट्टी भी कहते हैं। यहीं इस जलीय क्षेत्र के कारण सेवन घास की चर्चा की थी। सेवन घास इस क्षेत्र में पाई जाती है, और भी वनस्पति यहाँ पाई जाती है, इसलिए सबसे उपयुक्त जो पारिस्थितिकी संतुलन बनता है वो आपका लाठी सिरिंज क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? लाठी सिरिंज क्षेत्र, सेवन घास। सेवन घास का वानस्पतिक नाम की भी चर्चा की थी हमने, क्या नाम था किसी को याद नहीं है? याद आया कुछ? लेसिकोस सिंडिकोस। और एक और दूसरी घास थी धामण, इसका क्या नाम था? ट्राइडेकस प्रोकैम्बस, ठीक है। चौथे क्षेत्र की बात करें शाहबाद उच्च भूमि, तो ये 12 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है आगोर, झालरा, खड़ीन और नेहड़।
तो जल संरक्षण की परंपरागत विधि कौन सी है? खड़ीन, क्योंकि आगोर, झालरा और नेहड़ ये क्या है? जल संरक्षण की विधियां हैं लेकिन परंपरागत नहीं है। खड़ीन एक कृषि का विशेष स्वरूप है जो कि कौन से जल क्षेत्र पे किया जाता है, इसकी चर्चा की थी हमने, कहीं पढ़ लिया फिर भी उसके बाद भी सब साफ है। मरहो जो उपजाऊ झील क्षेत्र होता है, इस पे पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो खेती की जाती है उसको कहा जाता है खड़ीन। ये 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी और जैसलमेर में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालुका स्तूपों के मध्य रेत विहीन क्षेत्र क्या कहलाता है? राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण विधि नहीं है। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण विधि नहीं है तो इसमें खड़ीन, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण विधि है, झालरा ये भी है, पायतन ये भी है, गासी, गासी होता है जैसे ये बालुका स्तूप है, इनके मध्य में ये जो क्षेत्र है रेत विहीन, बात की थी हमने रेत विहीन क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? गासी, जिसपे कारवा जिसको बोलते हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट गुजरते हैं, एक रास्ता होता है जो रेत विहीन होता है उसको कहते हैं गासी। नेक्स्ट की बात करें, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालुका स्तूपों के मध्य रेत विहीन क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? गासी। क्वेश्चन नंबर, हाँ, वो थर्ड का आंसर भी गासी है और फोर्थ का आंसर भी गासी है। उसमें ये पूछा है कि जल संरक्षण विधि नहीं है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन दोमट का विस्तार पाया जाता है। तो जब हमने मृदा पढ़ी थी तो दोमट की बात की थी, दोमट मृदा, दोमट को ही दूसरा क्या कहते हैं? जलोढ़। इसी का दूसरा नाम क्या रखा था? काम। इसी को कछारी, दोमट, जलोढ़, कांप, कछारी, सारे इसी के नाम थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जलोढ़ मृदा की अगर बात करें तो किस क्षेत्र में मिलेगी? नदी क्षेत्र, यानी नदियों के द्वारा लाई गई जो मृदा होती है। और जलोढ़ होती है दो प्रकार की, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। नवीन जलोढ़ जो होती है वो खादर कहलाती है और प्राचीन जो होती है वो बांगर कहलाती है। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि प्राचीन दोमट का, प्राचीन दोमट कह दो या बांगर कह दो, ठीक है, उसका जमाव किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राजस्थान के अगर भौतिक स्वरूप को देखें तो उत्तर में इसमें लूनी बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और चंबल बेसिन चार दे रखे हैं। इसमें उत्तर आएगा लूनी बेसिन। देखिए, चंबल वर्ष भर बहती है इसलिए वहां नवीन जलोढ़ का जमाव होता रहता है तो पुरानी नहीं है, ठीक है। माही बेसिन तो वो भी लगभग वर्ष भर रहती है, वर्ष भर बहने वाली नदी नहीं है लेकिन कभी कभी बहती रहती है, ठीक है, तो उसमें भी नवीन जलोढ़ है। बात करें बनास की तो ये वर्षा काल के दौरान बहती है तो इसमें भी नवीन जलोढ़ है। लूनी की बात करें तो लूनी लगभग समाप्ति की ओर है, जब वर्षा काल में तेज वर्षा आती है तभी इसका प्रवाह होता है और ये सबसे प्राचीन जलोढ़ का है। अगर राजस्थान में सबसे प्राचीन पूछे कि सबसे प्राचीन कौन सा है तो जो मृत नदी है जिसको
डेड रिवर या मृत नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन जलोढ़ का जमाव उसी क्षेत्र में पाया जाता है। और वैसे अगर भौतिक प्रदेश पूछे तो शेखावाटी क्षेत्र में इसका जमाव पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के संबंध में सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, आदिजीवी महाकल्प, सिक्स बताया ना, अच्छा नवीन खादर। तो नवीन खादर इसमें क्या हो जाएगा, चंबल बनास लूनी माही, वही उस प्राचीन दोमट लूनी में अभी तो बताया मैंने, क्या हो जाएगा इसमें, चंबल बेसिन। नवीन का चंबल बेसिन में और प्राचीन का लूनी में। ठीक है, छठे का ए। ठीक है, राजस्थान के संबंध में सही नहीं है, यानी उत्पत्ति के संबंध में दे रखा है ये, आदिजीवी महाकल्प या एजोइक युग, एजोइक एरा, इसका प्री कैम्ब्रियन कल्प, ये सही है क्योंकि प्री कैम्ब्रियन में अरावली की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक क्रिटेशियस, तो क्रिटेशियस युग में दक्कन का जो पठार है उसका उद्भव हुआ था, और दक्कन के पठार का या प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार क्या है, आपके हाड़ौती का पठार। ठीक है, इसलिए यह भी संबंध रखता है। नेक्स्ट बात करें, पुराजीवी महाकल्प या हिमयुग सेनोजोइक, तो हिमयुग के समय यानी प्लेस्टोसिन काल में कोई उत्पत्ति नहीं हुई। नेक्स्ट की बात करें, नूतन महाकल्प नियोजोइक प्लेस्टोसिन, तो प्लेस्टोसिन में जो थार का मरुस्थल है उसका उद्भव हुआ था, तो इसमें तीसरा आंसर होगा पुराजीवी महाकल्प हिमयुग सेनोजोई, इसका संबंध राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, पिंडमाट मैदान का संबंध है, पिंडमाट मैदान का संबंध है, एक नदी बढ़ाई थी हमने खमनौर की पहाड़ियों से जो निकलती है, कौन सी नदी है, खमनौर पहाड़ी से एक नदी निकलती है, क्या नाम है उसका, बनास। इसका जो दक्षिणवर्ती भाग है ये कहलाता है मेवाड़ का मैदान, और ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मालपुरा करौली, मालपुरा करौली का मैदान। जब ये नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है तो राजसमंद में अरावली की पर्वत श्रेणियां जो फैली हुई हैं उनका कटाव करती है, और सर्वाधिक अपरदन करती है यहाँ पे। ठीक है, राजसमंद में, और यहाँ पे पिंड माट नुमा यानी लगभग इस तरह की स्थलाकृतियां बन जाती है, और इन स्थलाकृतियों को कहा जाता है पिंडमांट। अगर इसका संबंध पूछे कि पिंडमांट के मैदान का संबंध किससे है, तो संबंध आएगा आपका वो अरावली से, और अगर इसकी स्थिति पूछे कि कहाँ स्थित है, सॉरी जिले की बात करें तो राजसमंद। ठीक है, पिंडमांट मैदान का संबंध है बनास बेसिन से, संबंध पूछेगा तो ये बनास बेसिन, और स्थिति पूछेगा तो आपकी अरावली में हो जाएगी। ठीक है, इंडिया मिक्स क्या है, इंडिया मिक्स है गेहूं मक्का और सोयाबीन का जो मिश्रित आटा है वो कहलाता है इंडिया मिक्स। निम्नलिखित में से मक्का किस्म नहीं है, कौन सी मक्का की किस्म नहीं है, तो माही सुगंधा, माही कंचन, माही धवल और अगेती, इनमें से माही सुगंधा है ये चावल की किस्म है, माही कंचन वो सॉरी ये इसकी चावल की है, और ये बाकी तीनों मक्का की है, माही कंचन, माही धवल और अगेती,
ये तीनों किसकी है? मक्का की, और माही सुगंधा चावल की है। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख खाद्यान्न है। मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मेवाड़ किसको कहा जाता है? उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहता है? मेवाड़। ठीक है, अगर मेवाड़ की बात करें तो यहाँ जनजाति प्रदेश है, और जनजातियों द्वारा एक कृषि की जाती है जिसको क्या कहा जाता है? झूमिंग, या इसी को कहते हैं स्थानांतरित, स्थानांतरित कृषि। लेकिन राजस्थान में इसका नाम कुछ और है, राजस्थान में इसे वालरा, दजिया, चिमाता और बत्रा, इन चारों नामों से जाना जाता है। नहीं सुना? सुन लो आज। बताओ कहाँ कहाँ की जाती है और किस किस जनजाति द्वारा की जाती है? आदिवासी जनजाति द्वारा की जाती है, लेकिन आदिवासियों में भी प्रॉपर कौन कौन सी जनजाति द्वारा? वालरा किसके द्वारा की जाती है? ग्रासिया, दजिया, बताया था। फिर पढ़ने का क्या मतलब है? इतना पढ़ाने के बाद, इतनी बार रिपीट करवाने के बाद आपको नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा, बताओ। वालरा, गराशिया द्वारा, और गराशिया सर्वाधिक कहाँ है? सिरोही में। ठीक है, दजिया डामोर जनजाति द्वारा, और डामोर कहाँ है? डोंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, चिमाता भील द्वारा, और भील कहाँ है? बत्रा, सहरिया द्वारा, और सहरिया जनजाति का निवास कहाँ है? पूर्वी राजस्थान या बारा जिले में। ठीक है, बाकायदा डायग्राम से बताया था आपको, फिर भी भूल गए। देखिए, ये जो पहाड़ी ढाल है इसको काटकर समतल मैदान बना के यहां जो कृषि की जाती है वो है वालरा। बिल्कुल इसके दक्षिण भाग में जो की जाती है वो है दजिया। ठीक है, इन्हीं के बीच में जो मध्यवर्ती मैदानी भाग है, मैदानी भाग, उस पर की जाती है चिमाता। और नेक्स्ट बात करें बत्रा की, तो अरावली के जो पूर्वी भाग में या पूर्वी प्रदेश में, या यूं कहें बारा क्षेत्र में जो की जाती है उसको कहते हैं बत्रा। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति है सहरिया जनजाति, जो आदिम जनजातियों में शामिल है।
आदिम यानी प्राचीन जनजातियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख खाद्यान्न है, तो यहां पे इन जनजातियों द्वारा मक्का की कृषि की जाती है, इसलिए इसमें सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन होगा मक्का। मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? मक्का। कावेरी, चंबल, जया, सफेदा, ये क्या है? चावल की किस्में। होहोबा मूलतः पौधा है। देखिए यहां कंफ्यूज करते हो आप। अगर मूलतः की बात करें तो ये यूएसए का है, ठीक है। यूएसए से इज़राइल लाया गया और इज़राइल से आया भारत, तो अगर ये पूछे कि कहां से लाया गया तब तो इज़राइल से, और पूछे कि मूलतः पौधा कहाँ का है तो यूएसए का, ठीक है। हाँ, इसका आंसर होगा यूएसए। राजस्थान में औषधीय महत्व की फसलों में सर्वाधिक निर्यात होता है, घोड़ा जीरा, अश्वगंधा, सोनमुखी पत्ती, जैट्रोपा, क्या होगा? इसका आंसर होगा घोड़ा जीरा। जिसको ये तो सुना होगा, हाँ, तो इसी को कहते हैं घोड़ा जीरा, ठीक है। हाँ, जालौर मंडी की बात कर रहे हो? देख के बताऊंगा, ध्यान नहीं है मेरे को भी। इसी को कहते हैं इसबगोल, ठीक है। हाँ, घोड़ा जीरा या इसबगोल। राजस्थान में पाथर माल का विस्तार है। हाँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़, कौन सा क्षेत्र होगा? देखिए, हाड़ौती का पठार सुना है? हाँ, ये तो बता दोगे आप। हाड़ौती के पठार को ही कहते हैं पाथर माल, ठीक है। दंग गंगधर प्रदेश का संबंध किस जिले से है? देखिए, डग गंगधर प्रदेश का संबंध किस जिले से है? जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो उसका जो वर्गीकरण किया था उसी वर्गीकरण में इसका आंसर था, और वहां मैंने चर्चा भी की थी। बताओ, डग गंगधर प्रदेश, मीनिंग कुछ नहीं है, सीधा सा नाम है। हाँ, बताओ। हाँ, लगभग लगभग पहुंच रहे हो आप उसी क्षेत्र की तरफ है। ये आपका झालावाड़ में, जब भौतिक वर्गीकरण किया था हमने तो उसमें जो हाड़ौती का पठार था, हाड़ौती के पठार को हमने बांटा था, शाहाबाद उच्च भूमि, ठीक है। दंग गंगधर प्रदेश, याद आया हो तो कुछ। झालावाड़ का पठार, ऊपरमाल पठार,
इस तरीके से बांटा था अध्ययन के दृष्टि से। तो डंग गंगधर प्रदेश, जैसे मान लीजिए झालावाड़ आपका